अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एहमल लाइफ एक्स की एक और न्यू वीडियो में मैं अपने तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम रोज़ाना के बुनियाद पर आपको नए नए बिज़नेस आइडियाज़ शेयर करते हैं, तो आज भी आप लोगों की खिदमत में बड़ा ही ज़बरदस्त और कमाल का बिज़नेस आइडिया लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लोडर रिक्शा बिज़नेस आइडिया। अब इस बिज़नेस को आप छोटा मोटा बिज़नेस बिल्कुल भी मत समझें, इससे लोग लाखों रुपये कमा रहे हैं। कम्प्लीट जानकारी दूंगा जो कि आपके लिए बड़ी ही फ़ायदेमंद रहेगी। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में आपको किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स पड़ेगी, बिज़नेस मॉडल क्या है, इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट मार्जिन आपका कितना होगा, सारी ही चीज़ें कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करें, आप सबने मेहमान से दरख्वास्त है, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबाएँ ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स की, कि इस कारोबार को स्टार्ट करने में आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिर्फ आपको एक लोडर रिक्शा चाहिए। अब खाली जानकारी नहीं दूंगा, ये भी बताऊंगा कि आपको ये लोडर रिक्शा कहां से मिलेगा, इस वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको। पहले आप पूरा बिज़नेस मॉडल समझ लें, फिर आप जो है लोडर रिक्शा कहाँ से बाय कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। अब इस बिज़नेस मॉडल को थोड़ा समझ लें कि ये बिज़नेस मॉडल है क्या। देखें, अगर आपके पास लोडर रिक्शा है तो आपके पास मल्टीपल च्वाइसेस हैं, आप कोई भी कारोबार कर सकते हैं जो भी आपको आसान लगे। यहाँ पर मैंने चंद कुछ बिज़नेस आपके सामने रखे हैं कि आप इन बिज़नेस को कर सकते हैं। जैसे कि आप अंडे का कारोबार कर सकते हैं, आपके इलाके में बहुत सी दूध की शॉप्स होंगी, और उसके अलावा जो है आपके होटलें होंगी और वैसे दुकानें होंगी जहाँ पर लोग अंडे वगैरह सेल करते हैं। तो आपने क्या करना है, शहर से जाकर आपने होलसेल रेट पर आपने अंडे ले लेने, क्रेट्स ले लेने। और अंडे के बिज़नेस के ऊपर मैंने एक कंप्लीट अलग वीडियो बनाई है, आप वो भी देख सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि इस बिज़नेस में लोग कितना अर्न कर रहे हैं। इसका मैं आपको ये अंदाज़ा नहीं बता सकता कि कितना लोग इससे अर्न कर रहे हैं। आप वो वीडियो देखेंगे, एक दिन में आप इससे 15,000 रुपये भी निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूँ। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप मेरी ये वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें आपको बताया है मैंने कि आप अंडों का कारोबार किस तरीके से कर सकते हैं। उसके अलावा आप कर सकते हैं कपड़े का कारोबार, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। बहरहाल, आपने क्या करना है, मार्केट से कपड़ा ले आना है होल सेल रेट पर। कराची की मार्केट्स में आपको सस्ते में सस्ता तरीन कपड़ा मिल जाता है, तो आपने वो कपड़ा उठाना है और उसको आपने या तो आप खुद सेल करें, एक तो ऑप्शन ये है आपके पास, और दूसरा ऑप्शन ये है कि तो आपके इलाके में जितनी भी शॉप्स हैं, आपने क्या करना है, अपने कपड़े का आपने एक दो सैंपल्स ले जाना है, और आपने अपने इलाके की जितनी भी कपड़े की शॉप्स हैं आपने वहाँ पर वो सैंपल्स दिखाने हैं। अगर उनको दुकानदारों को आपके सैंपल्स पसंद आ गए तो वो आपसे लाजमी ख़रीदेंगे, और जब ख़रीदेंगे तो वो इकट्ठा माल आपसे ख़रीदेंगे, आपसे कोई एक दो जोड़े नहीं ख़रीदेंगे। तो जो भी माल ख़रीदेंगे आपसे इकट्ठा ख़रीदेंगे, तो एक तो ये है। तीसरा बिज़नेस ये है कि आप जो है सेलेंटी चिप्स जो होती है वो आपने होलसेल रेट पे ले आनी है, और उसको आपने मुख्तलिफ शॉप्स पर सेल करना है। अब ये आप कोई ये ना समझें कि ये कोई छोटा मोटा कारोबार नहीं है, ये मैं फिर भी आपको बता दूं, क्योंकि आपके इलाके में जितनी भी शॉप्स होती हैं वहाँ पर इन चीज़ों की अशद ज़रूरत होती है। और अगर आप ये माल ले जाकर वहाँ पर सेल करते हैं, होलसेल से माल लेकर वहाँ पर सेल करते हैं, तो आपकी बहुत जल्द सेल हो जाती है। उसके अलावा आप मंडी से कोई भी सब्ज़ी उठा सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा आपको यही कहूँगा कि आप आलू और प्याज ये ले लें। आप जो है कराची में भी हैं और लाहौर में भी आपको बहुत सी सब्ज़ी मंडीज़ मिल जाती हैं, तो आपने वहाँ से माल उठाना है, और आपने अपने इलाके में जितने भी सब्ज़ी वाले हैं उनको आपने ये आलू सेल कर लेना है। या आप ख़ुद अपना भी कारोबार कर सकते हैं अलग से, कि आप आलू लेकर और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आप जो है लोडर रिक्शे पे इसको ले जाएं और वहाँ पर आके आप सेल करें। तो दोस्तों, ये था एक कंप्लीट बिज़नेस मॉडल कि आप लोडर रिक्शे के थ्रू कौन कौन से बिज़नेस कर सकते हैं। अब ये तो चंद मैंने आपके सामने रखे हैं, ऐसे हज़ारों और बिज़नेस आइडियाज़ हैं। अगर आपके पास लोडर रिक्शा है तो आप बड़ी ही आसानी के साथ ऐसे कारोबार्स को कर सकते हैं।
अब इसमें इन्वेस्टमेंट की कितनी ज़रूरत, कितनी इन्वेस्टमेंट की आपको करनी पड़ेगी। देखें, रिक्शा लोडर जो है वो आपको 1,95,000 रुपये में मिल रहा है। वो कहाँ से मिलेगा मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको। उसके बाद जो दूसरी इन्वेस्टमेंट आपने करनी होगी वो है आपने फ्यूल। फ्यूल की इन्वेस्टमेंट आपको लगेगी और रिक्शा की, तो आप अंदाज़ा लगा लें। और यहाँ पर जो ये इन्वेस्टमेंट है रिक्शा लोडर और फ्यूल की, ये तो इन्वेस्टमेंट आपकी जस्ट रिक्शा लोडर को ख़रीदने में लगती है। उसके अलावा जो आप माल ले आएंगे वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा कारोबार कर रहे हैं। तो बाकी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है कि आप कौन सा कारोबार कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से डिफरेंट इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अब इसमें आपका प्रॉफिट वही बात मैं दोहराऊंगा कि जो कारोबार आप करेंगे तो हर एक कारोबार में डिफरेंट प्रॉफिट होगा, डिफरेंट प्रॉफिट मार्जिन होगा। जो आपको मुनासिब लगे आप वही कारोबार करें, लेकिन लोडर रिक्शा का जो बिजनेस है इससे अच्छा बिजनेस और कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं उसमें नाकाम हो गए तो लोडर रिक्शा आप जो है किसी और बिजनेस में लगा सकते हैं। आप इसको जो है लोडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कि उमूमन आपने देखा होगा कि जब कोई बंदा फ्रिज खरीद कर रहा होता है या कोई भी ऐसी चीज़ खरीद कर रहा होता है जिसे वो लोडर रक्षा की उसको ज़रूरत पड़ती है, तो आप ऐसी जगह पे रक्षा खड़ा कर सकते हैं, यानी लोडिंग के लिए ही आप इस रक्षे को भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये बिज़नेस आइडिया आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो के एंड में आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि आप जो है लोडर रिक्शा कहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी OLX वेबसाइट पर आ चुका हूँ, और ये OLX वेबसाइट से तो आप बखूबी वाकिफ़ होंगे कि एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जहाँ पर लोग सर्विसेज को सेल कर रहे होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हैं। यहाँ पर आप भी बायर का अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं अगर कोई चीज़ आपको बाय करनी हो, और सेलर का अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं तो अगर आपको कोई चीज़ सेल करनी है। तो यहाँ पर देखें, ये एक इस कंपनी के जो ओनर हैं उनका नाम है सादी भाई, और ये कार्गो लोडर के नाम से इनकी कोई कंपनी है कोरंगी कराची सिंध में। और ये जो इन्होंने लगाया है एड लगाया है, ये 30 नवंबर को इन्होंने कोई एड लगाया है, यानी पिछले साल 30 नवंबर को, कभी कोई 3 महीने इनको हो गए हैं। यहाँ पर आपको जो है कंप्लीट जानकारी आपको दी गई है कि 2019 मॉडल के ये रिक्शा लोडर हैं, और उसके अलावा 1 किलोमीटर ड्राइवन है और कंडीशन न्यू है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर जो है आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, मैं रिपीट कर देता हूँ, 0300-2000-645। तो आप इनसे रابطہ करके आप लोडर रिक्शा बाय कर सकते हैं। जब इनसे आपकी बात हो जाएगी तो आप विज़िट करेंगे, फेस टू फेस मिलेंगे, और आप अपनी चीज़ को देख कर ही फिर ही आप ख़रीद करेंगे। यहाँ पर कोई ये नहीं, ये प्रोसीजर नहीं है कि आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने फ़ेस टू फेस मिलना है, ये आपको पूरा एड्रेस वगैरह सारा ही गाइड करेंगे, फिर आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे तो आप लोडर रिक्शा बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये बिज़नेस आइडिया आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह।